हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा कार्यालय करनाल के बाहर आज बड़ी संख्या में हुड्डा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी यूनियन द्वारा पहले ही विभाग को नोटिस दिया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, परंतु उन पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसके चलते आज प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को विभाग की ओर से एसीपी सर्कल कार्यालय में ही दिया जाता था, परंतु अब यह चंडीगढ़ उच्च कार्यालय से मिलेगा, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसके अलावा कर्मचारियों ने कहा कि कुछ और भी लंबित मांगे हैं जिनको विभाग द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके रोष स्वरूप आज यहां पर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई गई। बहुत बहुत मेरी तरफ से, मैं कुरुक्षेत्र से प्रांत प्रधान शीशपाल गुर्जर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर, किस लिए प्रदर्शन किया? आज यहाँ पे ये कहता हूँ मैं, जो एससी नंदवाणी है करनाल का, ये बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। हमारी कम से कम 1.5 साल से डिमांड चल रही हैं, हम नोटिस पर नोटिस दे रखे हैं। हमने आज बिल्कुल मजबूर होके इस एससी से टाइम मांगा था, इन्हें कोई टाइम नहीं दिया। कर्मचारियों बहुत ज़्यादा रोष है, हमारी 1.5 साल से प्रमोशन है WPO की, 28 पोस्ट हैं, वो प्रमोशन होनी है, ये इन्हें बिल्कुल लटकवा रखा है। और कर्मचारियों की ACP ड्यू पड़ी हैं 1.5 साल से, मतलब इस दफ्तर के अंदर कोई भी काम नहीं होता। इसको सिर्फ एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, सिर्फ एक ही दिन आता है हफ्ते में, किसी भी कर्मचारी कोई काम नहीं करता। और सारे कर्मचारियों में इतना रोष है कि आज तो हमारा कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पानीपत, जगाधरी, कैथल, हमारे आज तो सिर्फ एसोसिएशन के नुमाइंदे आए हैं, और हम कल से पूरे सेशन से हम पूरा दफ्तर का घराव करेंगे। जब तक हमारी ऐसी डिमांड पूरी नहीं करता, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। साथियों, पहले भी अपनी बातचीत रखी थी आपने? हमने पहले बहुत बड़ी डिमांड रखी है, बहुत बड़ी हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन लालू पोप से ऊपर कुछ नहीं कहता है, आश्वासन देता है मैं कर दूंगा। आज तक कोई भी डिमांड नहीं इसने करी है कर्मचारियों की। और मेरा नाम है शीशपाल जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, ब्रांच प्रधान हूँ, और हम कर्मचारियों की डिमांडों के लिए लड़ते रहेंगे। और हमारी मजबूरी है कि हम नुमाइंदे बने हुए हैं और हम एक सच्चे हैं, और यहाँ बिल्कुल ना दफ्तर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े घोटाले हैं जिसमें कोटेशनें बनती हैं, और कर्मचारियों कोई बेनिफिट नहीं है। कर्मचारियों कहीं अगर कोई 1 रुपये की देने वाली बात आती है, जैसे ACP के केस हैं 1.5 साल से पेंडिंग है, वो कर्मचारी का राइट है, लेकिन ये अंदर बैठे यहाँ कोटेशनें बनती हैं, फर्जी बाड़ा होते हैं, फर्जी मोटर लड़ाई जाती हैं। आप अपने घरों भर लिए इन लोगों ने, अगर इनकी सच्ची इंक्वायरी करवाई जाए भी कितने टेंडर लगते हैं, कितनी कोटेशन लगती हैं, सारा फर्जीवाड़ा है। साथियों, आज हमारा जी SC हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल के नाम हमें नोटिस दिया था कर्मचारियों की मांगों के बारे में। हमने 26 तारीख को नोटिस दिया था और 6 तारीख तक उनको मांगों को हल करने के लिए कहा था, लेकिन SC साहब ने इस बीच में कोई मांग पूरी नहीं करी और ना ही यूनियन को बुला करके कोई समय दिया। उससे पहले भी हमें 4 मार्च को भी हमने SC साहब को मांगों का हल करने के लिए समय देने की बात की थी, SC साहब ने उस पर भी कोई विचार नहीं करा, और इस करके हम अपनी मांगों बारे में आज यहाँ प्रदर्शन कर। मुख्य मांगे हमारी है जो ACP स्केल हमारे यहाँ सर्कल सत्र पर लगने चाहिए, वो SC साहब इनको ऊपर हेड ऑफिस मुख्यालय भेज रहा है, जो जबकि पहले पूर्व में हमारे यहीं लगते थे वो। और जो DCRG केस है, रिटायरमेंट ग्रेजुएट लीव कैशमेंट वगैरह के केस है, जो वो केस भी हमारे पहले हमारे यहीं हल होते थे SC के द्वारा, जब से अब 2 साल से अब ये केसों के मुख्यालय भेजे जाते हैं, जब वहाँ पर उन केसों को लटकाया जाता है। तो जो ACP स्केल हमें 2020 में फरवरी में लगने थे, वो आज तक भी हमारे कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े हैं। और हमारी मेन मुख्य मांगों में हमारे 28 पद WPO के खाली पड़े हैं, और 28 पदों पर फील्ड से प्रमोशन होनी है, उसमें इन पर अब तक 1 साल हो गए, इन पर सीनियरिटी भी अब तक क्लियर नहीं हुई, सीनियरिटी नहीं बनी इनसे अभी। और हमारे रोड इंस्पेक्टर के, स्टोर मुंशी के, चार्जमैन के 3 पद खाली पड़े हैं, इन पर भी प्रमोशन के लिए इनका प्रोसेस बड़ा लंबा चला हुआ है। तो यूनियन मांग करती है कि जो खाली पद पड़े हैं उन पर जल्दी से जल्दी प्रमोशन की जाए। तो और बाकी कर्मचारियों को जो मिलने वाली GPF स्टेटमेंट है वो हर साल दी जाए, कर्मचारियों को अपने पैसे का हिसाब किताब लेखा चोखा पता चल सके। और बाकी मेन मुख्य मांग ये है जी। आपका नाम? सेवाराम, सर्कल प्रधान, HSVP कर्मचारियों करनाल। ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक